हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे हैं हमारे प्लम्स लॉकडाउन की सीरीज, जिसमें हम लोग कंप्लीट जीएस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इस कंप्लीट जीएस में प्रेजेंटली वी आर स्टडीइंग ज्योग्राफी। तो फटाफट शुरू करते हैं। लास्ट में हम लोगों ने काफी कुछ देखा था, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में देखा था, फिर हम लोगों ने वोल्केनो वगैरह के बारे में देखा था, फिर हम लोगों ने रॉक सिस्टम के बारे में देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं माउंटेन के बारे में। फिर इसके बाद एक और दूसरी वीडियो भी आज पब्लिश होगी, जो कि प्लेटो और लेक से रिलेटेड होगी। छोटी छोटी वीडियोज होंगी, कंप्लीट करिएगा उसे। फिर हम लोग कल देखेंगे लैंडफॉर्म के बारे में, और इस तरीके से हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी खत्म कर लेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी के बाद हम लोग ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोग्राफी के बारे में देख रहे होंगे क्या कुछ है उसके बाद। देन इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग हिस्ट्री की तरफ मूव ऑन कर रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं, और जल्दी जल्दी में भी लेकिन कंसेप्ट को अपने बना करके हमें चलना रहेगा हमेशा। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमें फटाफट स्टार्ट करने से पहले हमारी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जिसको कि आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिसको कि आप लोग यूज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ टेस्ट सीरीज भी है, जिनको कि आप लोग यूज कर सकते हैं अगेन। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन था। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, और कई लोगों को क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा टफ लगा था। कुछ टफ नहीं है, देखिए इग्नियस रॉक के बारे में, पहले इस क्वेश्चन के बारे में देखिए। कोई इग्नियस रॉक आर जनरली एसिडिक इन नेचर। देखिए हम लोग देखे थे कि एसिडिक मतलब कि ग्रेनाइट होना चाहिए, या फिर ये एंडेसाइट हो सकता है, और हम लोगों ने देखा था कि जनरली ये दोनों पाए जाते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है यहां पर कि ये जनरली एसिडिक इन नेचर कह सकते हैं आप। अगर ये क्वेश्चन पूछा होता है कि ओनली एसिडिक इन नेचर, तब गलत हो जाता, बिकॉज बेसिक भी हो सकता है, क्योंकि बसाल्टिक मटेरियल भी ऊपर आ सकते हैं, इसलिए बेसिक भी हो सकता है। तो इट इज जनरली एसिडिक इन नेचर करेक्ट हो जाएगा। दीज रॉक हैव अ लेसर कंटेंटेड हैवियर मिनरल लाइक आयरन एंड मैग्नीशियम, एंड हेंस दे आर लेस डेंस। बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सिंपल चीजें हो गई। फिर इसके बाद से ग्रेनाइट, क्वार्ट्स, फेल्डस्पार आर सम एग्जांपल, ये तो करेक्ट ही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, यहां पर देखिए आंसर ऑप्शन बनाने के दौरान में ये उल्टा पुल्टा होता रहता है इस तरीके की चीजें, लेकिन ऑल आर करेक्ट है, आप अपने कंसेप्ट से आइए। इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, इग्नियस रॉक फाउंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली देन अदर टू रॉक। देखिए सही बात है, इग्नियस रॉक जनरली ज्यादा मिल रहे होते हैं, फ्रीक्वेंटली मिल रहे होते हैं। हालांकि ये सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होते रहते हैं, बट इग्नियस जो होते हैं वो मोस्टली ज्यादा फ्रीक्वेंटली मिल रहे होते हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक इज लिमिटेड विद वोल्केनिक इरप्शन। यस यू कैन से दैट कि हाँ, वोल्केनिक इरप्शन से ही रिलेटेड होते हैं। फिर मेटामॉर्फिक रॉक हैज इंडिपेंडेंट ओरिजिन, दैट गलत है। क्यों? क्योंकि ये सीधी सी बात है, मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है केवल और केवल जो होता है डिपेंडेंट होता है इग्नियस रॉक के और सेडिमेंट्री रॉक के, क्योंकि इन्हीं दिनों के कॉम्पैक्शन के बाद ही अल्टीमेटली ये बन पाता है। तो यहां पर अगेन नन ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि आंसर वन एंड टू दोनों पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं माउंटेन के बारे में देखेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कह लीजिए कि रॉक के बारे में बात किया है। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं माउंटेन के बारे में। व्हाट इज माउंटेन? माउंटेन इज ए टाइप ऑफ अ लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म का एक टाइप होता है जो कि सर्टेन हाइट अचीव कर लेता है। अब ये हाइट कितनी होती है, ये हम लोग प्लेटो के सेक्शन में जब जाएंगे तो वहां पर बताऊंगा मैं कितनी हाइट होती है। तो माउंटेन बोला जाएगा, कितनी हाइट है तो प्लेटो बोला जाएगा। तो लैंडफॉर्म होता है जिसकी एक हाइट होती है, एंड दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट अ माउंटेन। माउंटेन को क्लासीफाई करने के लिए कई तरीके होते हैं क्लासिफाई करने के लिए। अच्छा, ये माउंटेन जो होता है कैसा हो सकता है? ये माउंटेन इग्नियस रॉक का भी माउंटेन हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? ये मेटामॉर्फिक रॉक का भी हो सकता है माउंटेन, और ये सेडिमेंट्री रॉक का भी माउंटेन हो सकता है। क्लियर है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेडिमेंट्री में जैसे हिमालय हो गया, हिमालय एक तरीके का क्या हो गया कि ये सेडिमेंट्री टाइप का माउंटेन हो गया है। ठीक है, क्लासिफाई करने के लिए हम लोग कई तरीके से लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं ओरिजिन किस तरीके से हुई है, या फिर मोड ऑफ ओरिजिन क्या है, या फिर ओरिजिन का पीरियड क्या है, पीरियड ऑफ ओरिजिन। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, कई तरीके क्लासिफिकेशन होते हैं। वन बाई वन करके जरा डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर में जो माउंटेन है वो अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से कितने तरीके का होता है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से बेसिकली ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है जिसको बोलाता है फोल्ड माउंटेन, और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। इसके अलावा ओरिजिन के बेसिस पे, मोड ऑफ ओरिजिन और पीरियड ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे
अलग अलग टाइप के होते हैं, वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है हमारे ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, फैक्ट वाइज पूछ दिया जाता है इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे अगर आए हम लोग और अगर फोल्ड माउंटेन के बारे में बात करें तो फोल्ड माउंटेन जैसा कि नाम ही बता रहा है कि बेसिकली यहाँ पर कुछ फोल्डिंग रिलेटेड है, फोल्ड वगैरह हो रहा होगा। तो फोल्ड वगैरह क्या हो रहा है, तो फोल्ड माउंटेन जो है वो सेडिमेंटरी रॉक से फॉर्म हो रहे होते हैं। दिस इज समथिंग कॉल्ड जियोसिंक्लाइन माउंटेन, जियोसिंक्लाइन हो रहे होते हैं। अब ये जियोसिंक्लाइन क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी प्लेट हुआ करती थी जिस प्लेट के आपस में टक्कर मारने के कारण से अल्टीमेटली ये दोनों करीब आए। जैसे मान लेते हैं कि दोनों ही कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का ही मान लेते हैं कोलिजन है, तो ये दोनों करीब आए थे और अल्टीमेटली क्या हुआ था, दोनों एक दूसरे से इस तरीके से फोल्डिंग हो गई थी, दोनों उठ गए थे। तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लग रहा है यानी कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। कंप्रेसिव फोर्स लगने के कारण से ही इस तरीके का स्ट्रक्चरिंग या इस तरीके की फोल्डिंग जनरेट हुई है। अब ये जो फोल्डिंग हुई है इसी फोल्डिंग को हम लोग जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। अब ये जियोसिंक्लाइन क्या चीज है, दे आर लॉफ्टीएस्ट माउंटेन, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअसली ये अपनी हाइट अचीव करते जा रहे होते हैं इसलिए काफी ये बड़े होते हैं। और जनरली कंसंट्रेट कहाँ होंगे, हमेशा ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे होंगे, क्योंकि देखिए मार्जिन पे ही आकर के ये एक दूसरे से टक्कर मारेगा और टक्कर के कारण से ही इसको मार्जिन पे होना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन है ये जियोसिंक्लाइन का, जरा उसको देखते हैं, व्हाट इज जियोसिंक्लाइन। जैसे क्या है कि जब भी आप किसी भी प्लेट को, जैसे मान लेते हैं प्लेट है, किसी भी प्लेट को अगर आप कंप्रेशन देंगे, दिस इज सपोज कंप्रेशन, जब आप कंप्रेशन देंगे तो होगा क्या, होगा ये कि यहां पर आपस में फोल्डिंग रप्चरिंग ये स्टार्ट हो जाएगी। तो फोल्डिंग के दौरान में पीछे से फोर्स लग रहा है, आगे वाला इसको रेजिस्ट कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आगे ब्लॉक है। तो जब ब्लॉक होगा तो होगा क्या, इस तरीके से फोर्स जनरेट होगा और इधर से इसको मतलब कह लीजिए रेजिस्टेंस मिल रहा है, रेजिस्टेंस के कारण से ये फोर्स वापस से पीछे की ओर चला जाएगा। तो इट यहां पर एक तरीके की ये कह लीजिए कि सेल टाइप की बन रही होगी, पैटर्न टाइप का बन रहा होगा, कन्वेक्शन सेल जैसे बनती है वैसे यहाँ पर एक सेल बन रही होगी। इस सेल के बनने के कारण से जो माउंटेन होगा वो इधर जो ऊपर उठ रहा होगा, तो फिर नीचे की ओर में जो पीछा फोर्स लग रहा है इस तरीके का, तो यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चरल रिलीफ जनरेट हो रहा होगा। तो इस कारण से होगा क्या कि कुछ बॉडी ऊपर जाएगी और कुछ बॉडी नीचे चली जाती है। इस तरीके का जो सरफेस होता है, इस तरीके की जो लैंडफॉर्म होती है, उसको हम लोग बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। इस जियोसिंक्लाइन के दो पार्ट होते हैं, जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एंटीक्लाइन, ये उल्टा हो गया है एंटीक्लाइन, और यहां पर इसको बोलते हैं हम लोग सिंक्लाइन। समझ आया सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन का मतलब क्या है। तो देखिए जो फोल्ड कन्वेक्स होते हैं, जो फोल्ड कॉन्वेक्स टाइप हो जाते हैं उनको हम लोग एंटीक्लाइन बोल रहे होते हैं, और सिमिलरली जो कॉन्वेक्स होते हैं उनको हम लोग सिंक्लाइन बोल देते हैं। तो बस वही है कि सो कोर ऑफ एन एंटीक्लाइन फोल्ड कंसिस्ट ऑफ अदर स्ट्रेटा एंड द स्ट्रेटा आर प्रोग्रेसिवली यंगर आउटवर्ड। सिमिलरली जो कॉन्वेक्स होते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं कि वो सिंक्लाइन है, एंड द कोर ऑफ सिंक्लाइन आर यंगर स्ट्रेटा, फला फला, ये सब चीजें आपको पता ही है, यहां पर कुछ बताने वाली चीज नहीं है। समझ में आया क्या चीज है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आइए देखते हैं कुछ फोटोग्राफ के माध्यम से। यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये माउंटेन है, जैसे मान लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को प्लेट इस तरीके से मान लेते हैं कि कोलाइड कर रही है। कोलाइड करने के कारण देखिए यहां पर ये सब जो है वो फोल्ड माउंटेन जनरेट होकर के रखी हुई है, फोल्डिंग हो गई है, दिस इज अगेन फोल्डिंग हो गई है, यहां पर भी देखिए फोल्डिंग हो गई है, यहां पर भी फोल्डिंग हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि फोल्डिंग हो रखी है, फोल्डिंग होगी तो नीचे देखिए इसके अंदर में एक फोल्डिंग इस तरीके से जनरेट हुई है, नाउ ए फोल्ड और उसके बाद से दूसरा फोल्ड, ये इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरीके की यहाँ पर जियोसिंक्लाइन बन रखी है। तो ये अंदर की ओर में जो कह लीजिए बेंडिंग हो रखी है, इस बेंडिंग को ही हम लोग बोलते हैं जियोसिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन। ये जियोसिंक्लाइन दो टाइप की हो सकती है, एक हो सकती है एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन के कारण से माउंटेन उठ जाएंगे, और एक होगी जो डिप्रेशन होगी जिसको हम लोग बोलेंगे सिंक्लाइन। तो दिस इज सिंक्लाइन, या इसी को बोल सकते हैं कि डिप्रेशन हो गया है। जब इस एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन को जब आप देखेंगे तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, जैसे पैटर्न का मतलब अगर ये सिमेट्रिकल टाइप का है तो उसको हम लोग सिमेट्रिकल
फोल्ड माउंटेन बोल देते हैं या सिमेट्रिकल जियोसिंक्लाइन भी बोल सकते हैं आप इसको, जहां पर एसिमेट्रिकल होता है। देख रहे हैं आप कैसे है, एसिमेट्रिकल के टाइप का, कोई भी सिमेट्री यहां पर नहीं है, तो इसको हम लोग एसिमेट्रिकल बोल देते हैं। जहां पर कोई, जैसे मान लीजिए कि ये फोल्ड है, ये फोल्ड है, ये फोल्ड है, अब ये वाला फोल्ड आगे बढ़ा और इस फोल्ड को कैप्चर कर लिया है, तो आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, जहां पर पीछे वाला इस तरीके से कैप्चर कर लिया है, इसको बोलते हैं हम लोग ओवरफोल्ड। यहां पर ये ओवरफोल्ड हो गई है, देखिए ये ओवरफोल्ड हो गई है। और रिकमेंड क्या होती है, रिकमेंड मतलब कुछ नहीं होती है कि बस दो स्ट्रक्चर आपस में जब मर्ज कर जाते हैं तो वो होती है, और लास्ट में ओवरथ्रस्ट हो जाता है, जब ये ओवरथ्रस्ट का मतलब एक दूसरे के ऊपर में चढ़ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ओवरथ्रस्ट। हालांकि दिस वॉज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर जीएस के लिए, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्शनल के लोग ज्यादा पढ़ रहे होते हैं, बट एटलीस्ट नाम याद रखिएगा, क्योंकि आजकल एग्जाम में जीएस में भी थोड़ी सी ऑप्शनल की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो जा रही है, अगर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो। समझ में आ गया क्या चीज है? तो ये थी हमारी फोल्ड माउंटेन के बारे में, फटाफट देख लेते हैं इस फोल्ड माउंटेन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या खास बात है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोल्ड माउंटेन के बारे में अगर आए तो वन बाय वन करके जरा डिस्कस करते हैं। तो फोल्ड माउंटेन ये यंगेस्ट माउंटेन हो रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि लगातार इनकी फोल्डिंग ऑनगोइंग रहती है, और ऑनगोइंग होने के कारण से यहाँ पर कंप्रेशन फोर्सेस या कह लीजिए प्लेट टेक्टोनिक जो आपस में होती है, इनके कारण से लगातार ये हाइट अचीव कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि ये यंग फोल्ड माउंटेन है। दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन। द प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स सजेस्ट दैट सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ दीज फोल्डेड माउंटेन वर फॉर्म्ड आफ्टर एक्यूमुलेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ सिल्ट सेडिमेंट्स इन अ मरीन एनवायरमेंट। तो जनरली क्या होता क्या है कि जब भी कोई प्लेट होती है, मान लेते हैं कि कॉन्टिनेंटल प्लेट है, पहले वो ओशियनिक प्लेट से ही टकरा रही होती है, एंड देन ये इस तरीके से फोल्डिंग जनरेट कर लेती है, जिसके कारण से यहां पर मरीन एलिमेंट कह लीजिए वो आ जा रहा होता है। बस वही यहां पर बताया गया है कि फॉसिल्स जो है जनरली यहां पर पाए जा रहे होते हैं। तो फोल्ड माउंटेन जो होते हैं वो काफी लंबी ऊंचाई तक एक्सटेंड कर ले रहे होते हैं, जबकि विथ जो होती है वो कंसिडरेबली काफी स्मॉल होती है, एंड द रीजन इज ऑलरेडी क्लियर टू यू। क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि लगातार ये ऊपर की ओर में बढ़ते जा रहा है। जनरली फोल्ड माउंटेन हैव अ कॉनकेव स्लोप ऑन वन साइड और कॉन्वेक्स जो होती है अदर साइड में हो रही होती है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दिस इज प्योरली जियोसिंक्लाइन बेस्ड आप बोल सकते हैं, और जियोसिंक्लाइन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस ही कर लिया है क्या चीज है। फोल्ड माउंटेन आर मोस्टली फाउंड अलॉन्ग कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, क्योंकि यहां पर कन्वर्जेंस देखने को हमें मिल रहा होता है, चाहे वो ओशियन कॉन्टिनेंट का हो चाहे कॉन्टिनेंट को कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा होता है। जनरली ये ग्रेनाइट ओरिजिन के होते हैं, क्योंकि व्हेन मैग्मा क्रिस्टलाइज एंड सॉलिडिफाई अंडरगो टू फॉर्म इंट्रूजन ऑन अ मैसिव स्केल, तो सीधी सी बात है यहां पर बोवेंस रिएक्शन वाली केस आ जाएगी, और इस बोवेंस रिएक्शन के बाद अल्टीमेटली हमें इस तरीके का सिस्टम देखने को मिल जा रहा होता है। बाकी सिस्मिसिटी यहां पर देखने को बहुत आराम से मिलेगी ही। सिस्मिसिटी का मतलब क्या है? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यहां पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब दो प्लेट आपस में टकराएंगी, टकराने के कारण से साउंड एनर्जी जनरेट होगी ही होगी, और इस साउंड एनर्जी के जनरेट होने के कारण से यहां पर अर्थक्वेक या फिर बोल सकते हैं कि सिस्मिक वेव जनरेट होगा ही होगा। ठीक है, लास्ट आ जाती है हमारी कि हाई हीट फ्लो ऑफन फाइंड एक्सप्रेशन इन वोल्केनिक एक्टिविटी, और वो रीजन है केवल कि कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हमें देखने को मिल जा रहा होता है, और अकॉर्डिंगली हमें इस तरीके की चीजें देखने को मिल जा रही होती हैं। तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जहां पर आप लोगों ने चीजों को देखा फोल्ड माउंटेन के बारे में। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं जरा हमारे ब्लॉक माउंटेन के बारे में। तो ब्लॉक माउंटेन के बारे में देख लेते हैं, जिसको कि हम लोग हॉस्ट माउंटेन भी बोलते हैं। दिस इज जस्ट अनदर टर्म, तो यहां पर कोई अंतर नहीं होता है, मोर ऑर लेस चीजें सेम ही है। ब्लॉक माउंटेन के बारे में जरा देखें अगर, तो पहले एक काम कर लेते हैं, समझ लेते हैं ब्लॉक माउंटेन को, फिर उसके बाद से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ है। ब्लॉक माउंटेन को समझने के लिए, दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम फोल्ड माउंटेन, ये जो होता है अलग होती है, डिफरेंट फ्रॉम फोल्ड माउंटेन होती है। तो सीधी सी बात है इसके बनने का तरीका भी अलग होगा। अब ये बनने का तरीका क्या है देखते हैं। यहां पर देखिए बेसिकली हमें फॉल्ट देखने को मिलती है, तो ये बनता है जो ब्लॉक माउंटेन, मान लेते हैं क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है, तो आप बता देंगे ब्लॉक माउंटेन जो बनती है वो फॉल्ट के कारण से बन रही होती है। क्वेश्चन ये उठता है फॉल्ट क्या होती है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फॉल्ट मतलब फिशर्स हो गई,
या फिर इसी को हम लोग क्रैक बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉल्ट जो हो सकती है, मान लेते हैं कि सपोज एक 3D फिगर देते हैं, ये मान लेते हैं कोई सरफेस है, ये हमारा एक 3D फिगर है, दिस इज एनी सरफेस। अब इस सरफेस पे मान लेते हैं ये क्रैक जनरेट हुई है, तो क्रैक कुछ इस तरीके से जनरेट होगी ही, क्रैक जनरेट होगी तो ये दोनों सरफेस अब यहां से वीक हो गया है, इस पोर्शन से वीक हो गया है। वीक होने के कारण से वी कैन से दैट कि यहां पर जब भी कोई भी मूवमेंट हुआ, क्योंकि सीधी सी बात है किसी ना किसी प्लेट के नीचे ही होगा ये भी, और यहां पर भी कन्वेक्शन सेल चल ही रही होंगी, तो इस कन्वेक्शन सेल के कारण से देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि ये दोनों प्लेट आपस में या तो कन्वर्ज करें, डाइवर्ज करें, या फिर ट्रांसफॉर्म करें। तो अगेन तीन पॉसिबिलिटी आ जाती है कन्वर्जेंस करने की, कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस या फिर हमें ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रांसफॉर्म देखने को मिल रहा होगा, इन तीनों में से कुछ ना कुछ एक मिल रहा होगा। सपोज 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 कि यहां पर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का सरफेस हो गया है, जहां पर दो बॉडी हम लोग कह सकते हैं कि ये काइंड ऑफ दो बॉडी बन गई है। दूसरे बॉडी को हम लोग दूसरे कलर से देख लेते हैं ताकि और क्लैरिटी दिखेगी, रेडी ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारी, मान लेते हैं कि दूसरी बॉडी हो गई है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें जब सिस्टम देखना होगा तो दिस इज अ काइंड ऑफ दिस इज सरफेस हियर। ठीक है, चलिए खैर, तो ये हमारा दिस इज अ काइंड ऑफ सरफेस हियर। ओके, अब मान लेते हैं कि यहां पर एक सरफेस, एक तरीका ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन वाला इस तरीके से हमें चेंज देखने को मिले, तो जब इस तरीके से चेंज हमें देखने को मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अगले पल में मूवमेंट कैसी हो जाएगी, अगले पल में हमारी मूवमेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये वाला सरफेस पीछे चला गया है तो पीछे चले जाने के कारण से ये ब्लॉक हमारी यहां पे आ जाएगी, दिस ब्लॉक विल कम हियर। ठीक है, ये ब्लॉक हमारी इधर आ जाएगी, चलिए बहुत ज्यादा आर्ट नहीं करना है, और दूसरी ब्लॉक जो है हमारी वो कुछ इधर आ जाएगी, ये सरफेस यहां है, अगला सरफेस यहां है, अगला सरफेस यहां है, यहां है, यहां है, यहां पे है, एंड देन मूवमेंट इज समथिंग लाइक दिस। ओके, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ सरफेस पीछे का, ये सरफेस आपको देखने को मिलेगा कि ये एक्स्ट्रा पीछे चला गया है, और ये सरफेस दिखेगा आपको कि एक्स्ट्रा आगे आ गया है। तो यहां पर बेसिकली टॉप से अगर टॉप व्यू देखेंगे तो आपको एक सरफेस इधर दिखेगा, दूसरा सरफेस इधर दिखेगा, ये वो येलो कलर वाला है, ये वो रेड कलर वाला है, तो मूवमेंट आपको इस तरीके की देखने को मिलेगी। इस तरीके का जो यहां पर ये फॉल्ट हुआ है, ये फॉल्ट हुआ है मतलब ये जो फॉल्ट है, इस फॉल्ट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट, दिस इज रिवर्स फॉल्ट। हालांकि नाम याद रखने की ऐसे जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट टू गिव यू अ फील कि हाँ इस तरीके की फॉल्टिंग हो सकती है। दूसरे टाइप की क्या फॉल्ट हो सकती है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। दूसरे टाइप की फॉल्ट ये हो सकती है, सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा अगेन एक सरफेस है जो कि दूसरा वाला सरफेस इधर आ गया है, मतलब कि बीच में ये हमारी बीच में फॉल्ट जनरेट हो रखी है, दिस इज फॉल्ट। अब फॉल्ट के कारण से अब ये हो सकता है कि ये नीचे चला जाए, ये वाला ऊपर चला जाए, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी अगेन। तो अगेन जब इस तरीके की पॉसिबिलिटी होगी तो एक ब्लॉक हमारा यहां पे रह जाएगा, दूसरा वाला ब्लॉक कुछ नीचे हाइट पे चला जाएगा, लेकिन नीचे मतलब थोड़ा सा डेप्थ में चला जा रहा होगा। तो इस तरीके से यहां पर ये जो सरफेस बना है, यहां पर इसकी हाइट यही केवल है, ये नीचे ये ऊपर चला गया है, इसको हम लोग बोलते हैं डिप फॉल्ट, दिस इज डिप फॉल्ट। अभी हम लोग देखेंगे सारे फॉल्ट के बारे में वन बाय वन करके देखेंगे। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है देयर इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट, और उन फॉल्ट के कारण से हमें एक अलग तरीके का माउंटेन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी मैंने प्लेट को नहीं लड़ाया है, प्लेट को लड़ाया नहीं है तो फोल्ड माउंटेन तो बन नहीं सकता है। तो एक बात श्योर हो गई है कि जो यहां पर फॉल्टिंग हो रही है, इस फॉल्टिंग के कारण से एक डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन बनती है, और उस डिफरेंट टाइप के माउंटेन को ही हम लोग बोलते हैं कि वो एक ब्लॉक माउंटेन है या फिर हॉस्ट माउंटेन है। तो कुछ आइडिया लगा ब्लॉक माउंटेन और फोल्ड माउंटेन में डिफरेंस क्या है, वन बाय वन करके पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद से वापस से फिर हम लोग फोल्डिंग पे आएंगे क्या कुछ है। तो ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ फॉल्टिंग ऑन द लार्ज स्केल व्हेन द लार्ज एरिया और ब्लॉक ऑफ अर्थ आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। जैसे भी आपको मूवमेंट कराना, वैसा मूवमेंट कराने के बाद फॉल्टिंग के कारण से जब माउंटेन बनती है उसको हम लोग बोल देते हैं ब्लॉक माउंटेन। जो अपलिफ्टेड ब्लॉक होता है उसको हम लोग हॉस्ट बोलते हैं, और जो लुअर्ड हो जाता है उसको हम लोग ग्रैबन बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने ये देखा था ना, ये हमारा माउंटेन था, मतलब एक ब्लॉक थी, दूसरी ब्लॉक हमारी इस तरीके से नीचे चली गई थी, तो जो ऊपर रह गई है इसको हम लोग बोलते हैं हॉस्ट, जो नीचे चली जाती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रैबन।
ठीक है। फिर उसके बाद से द ग्रेट रिफ्ट वैली एंड राइन वैली, ये दोनों के दोनों जो होते हैं एग्जाम्पल्स हैं जो ब्लॉक माउंटेन के अंतर्गत आ जाते हैं। रिफ्ट वैली के बारे में आप लोग को पता ही है, डाइवर्जेंस के कारण से बन रही होती है, और राइन वैली ये हमें मिल जाती है जर्मनी के पास में, रोन राइन वहां पे रिवर्स पाई जाती हैं, इनफैक्ट यहीं पर होती है एक जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। ये जो है वो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है और ये पाया जाता है इसी राइन वैली में। क्लियर हो गया। तो ब्लॉक माउंटेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन, क्योंकि फॉल्ट से बनी है, सिंस दे आर फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग रिजल्ट ऑफ टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स, दोनों में से कोई भी एक फोर्स लग सकती है, चाहे वो टेंसाइल हो, चाहे कंप्रेसिव हो, या फिर एक और शियर फोर्स हो, शियर फोर्स के कारण से भी हो सकता है यहां पर। अब हम लोग जरा देखें कि कितने टाइप के फॉल्ट होते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ टाइप ऑफ फॉल्ट, जैसे एक होती है जिसको स्ट्राइक स्लिप बोलते हैं, दूसरे को नॉर्मल स्लिप बोलते हैं, रिवर्स स्लिप बोलते हैं, और डिप स्लिप बोलते हैं। ये केवल और केवल आप लोग को नाम याद रखने की जरूरत है, यहां पर आपको फॉल्ट के बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें से हम लोग ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, डिप स्लिप। अब ये डिप स्लिप क्या है जरा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर ये पूरा का पूरा सपोज माउंटेन है, ये हमारा इस तरीके से हमारा सरफेस है, 3D फिगर बना रहा हूं ताकि क्लैरिटी दिखेगी। ये मान लेते हैं कि हमारा पूरा का पूरा सरफेस था और इस सरफेस पे फॉल्ट हो गई है। मान लेते हैं एक फॉल्ट इधर हुई है, दूसरी फॉल्ट इधर हुई है, तीसरी फॉल्ट इधर हुई है, चौथी फॉल्ट इधर हुई है, और एक और फॉल्ट हो गई है पांचवी। ये इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप की फॉल्ट्स हो गई हैं। अब फॉल्ट होने के कारण सीधी सी बात है, इनमें से कोई ना कोई एक स्लिप देखने को मिलेगा। मान लेते हैं ये स्लिप जो देखने को मिल रहा है वो यहां पर डिप स्लिप देखने को मिल रहा है, सपोज डिप स्लिप हो रहा है। तो डिप स्लिप में क्या होगा, एक ऊपर जाएगा, दूसरा वाला पार्ट नीचे जाएगा, सिमिलरली ऊपर रहेगा, नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। देखिए अल्टरनेटली ये अल्टरनेटिव ब्लॉकिंग पे ये ऊपर नीचे नहीं होगा, ये तो जस्ट मैंने बना दिया। हो सकता है दो पार्ट ऊपर जा रहा हो, दो पार्ट नीचे जा रहा हो, कुछ भी हो सकता है, हाई पॉसिबिलिटी की कुछ भी हो सकता है, और वैसे भी नेचर है, नेचर में कुछ भी पॉसिबल है। तो जो होगा सो होगा, बट यहां पर हम समझने के लिए केवल एक को ऊपर दूसरे को नीचे, एक को ऊपर दूसरे को नीचे, इस तरीके से लगा रहे हैं हम लोग, ये अरेंजमेंट हम लोगों ने करके रखा हुआ है। अब अगर मान लेते हैं कि कोई सरफेस ऊपर गया है तो क्या हो जाएगा, ये सरफेस मान लेते हैं कि जो ऊपर गया है, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं, तो जो सरफेस है वो ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, और जो सरफेस नीचे गया है, जो नीचे गया है उसमें हमें कलर दूसरा देख लेते हैं, नीचे जो गया है वो हमें इस तरीके का देखने को मिलेगा, यहां पर चला गया सरफेस और ये नीचे कुछ हाइट ले लिया है। सिमिलरली यहां पर भी जो नीचे आएगा वो हमें कुछ इस तरीके का ही सरफेस देखने को मिल रहा होगा, जितने भी नीचे वाले होंगे वो कुछ इसी तरीके से हमें देखने को मिल रहे होंगे, होगा कि नहीं। और जितना ऊपर वाला सरफेस है उसमें हर जगह पे हमें एक हाइट देखने को मिल रही होगी, तो यहां पर एक हाइट हो जाएगी, इस तरीके से एक हाइट हो जाएगी, एंड देन दिस 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 एंड देन दिस, और उसके बाद से यहां पर एक इस तरीके का फिगर। सिमिलरली यहां पर भी सेम चीज हो जाएगी, ये इस तरीके से हाइट, यहां पर नीचे, यहां पर ये सब इस तरीके से देखने को मिल जाएगा सिमिलरली, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही होगी इस तरीके से ब्लॉकिंग। तो जब आप ब्लॉकिंग देखेंगे तो बेसिकली फ्रंट व्यू जब आप देखेंगे, मान लीजिए फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, यहां पर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये आपको इस तरीके का फ्रंट व्यू देखने को मिलेगा। टॉप व्यू जब आप देखेंगे तो टॉप व्यू में तो कोई दिक्कत नहीं है, टॉप व्यू तो सिंपल सबका ऐसे ही हो जाएगा, सबका ऐसे ही हो जाएगा, तो टॉप व्यू में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा कि हाँ ब्लॉक ये ऊपर है, ये ब्लॉक नीचे, ये ब्लॉक ऊपर है, ये ब्लॉक नीचे है, ओके। अब देखिए होगा क्या, जो नीचे डिप्रेशन वाली है यहां से नदियां बह जा रही होती हैं, यहां से नदियां बह जा रही होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विंध्या, हमारे यहां पे विंध्या रेंज है और सतपुड़ा रेंज है, ये विंध्या और सतपुड़ा के बीच से निकलती है नर्मदा रिवर। तो इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट कि ब्लॉक माउंटेन, दो ब्लॉक माउंटेन के बीच से एक रिवर निकल गई है। तो वही चीज यहां पर भी होती है, जो भी हमारी राइन रिवर है वो भी हमारी इसी तरीके से ब्लॉक माउंटेन के बीच से निकल रही होती है। अब देखिए होगा क्या, क्लियर हो गया यहां तक क्या है, ओके। अब जरा देखते हैं कि होगा क्या, थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखिए जब हमारा सरफेस इस तरीके से था ना, एक ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर फिर एक नीचे, इस तरीके से है,
तो रिवर जब बहेगी तो ये जो यहां पर कॉर्नर बने हुए हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर रहेंगे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि इरोड हो जाएगा लगातार, ये विंड के संपर्क में आ रहा है, रिवर के संपर्क में आ रहा है, रेनफॉल के संपर्क में आ रहा है, रेनफॉल मतलब वाटर के संपर्क में आ रहा है, तो कई सारे एजेंट है जो लगातार यहां पर इसको संपर्क में आते आ रहे हैं, साथ ही साथ ह्यूमन के भी संपर्क में आ रहा है, तो ह्यूमन के संपर्क में भी आने के कारण से जो ये कॉर्नर्स हैं ये टूट जाएंगे, और कॉर्नर्स टूटने के बाद अल्टीमेटली क्या एक कर्व शेप ले लेगा, सिमिलरली कर्व शेप ले लेगा, और ये जो सेडिमेंट है उड़ के नहीं जाएगा तो है नहीं, डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा, तो डिपोजिशन हमें इस तरीके को देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी एक कर्व हो जाएगा और ये वाला मटेरियल डिपॉजिट हो जाएगा नीचे, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आपको कुछ इस तरीके का सरफेस देखने को मिलने लगेगा, इस तरीके का सरफेस देखने को मिलने लगेगा। सिमिलरली यानी कि यहां पर जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, और इस तरीके से एक माउंटेन टाइप का शेप ले लिया है, माउंटेन टाइप का शेप देखिए ले लिया है, तो इस तरीके का माउंटेन को हम लोग बोलेंगे कि ये ब्लॉक माउंटेन में कन्वर्ट हो गया है। कुछ क्लैरिटी है क्या है? अभी और समझ में आएगा, एक फोटोग्राफ देख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये हमारा वो ब्लॉक माउंटेन, और यहां पर हमारी देखिए फॉल्टिंग हो रखी है, इस फॉल्टिंग के कारण से जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है जिसको कि हम लोग हॉस्ट बोल रहे होते थे, और जो नीचे वाला पार्ट गया उसको ग्रैबन बोल रहे होते थे। जब ये मूवमेंट साइड बाय साइड हुई है, देखिए ये मूवमेंट जो होती है वो इस तरीके से इधर, और एक जो होती है इधर, कौन सी फोर्स है ये फोर्स टेंसाइल फोर्स है, तो टेंसाइल फोर्स लगने के कारण से हुआ क्या कि स्लिप डिस्क हो गई है यहां पर, मतलब कि एक पार्ट नीचे चला गया, दूसरा पार्ट तो ऊपर है ही, दूसरा पार्ट नीचे चला गया है। अकॉर्डिंगली इसके बाद से होगा क्या कि यहां पर जो सरफेस है वो अब एक्सटर्नल एजेंट के संपर्क में आ जाएगा, और एक्सटर्नल एजेंट के संपर्क में आने के बाद यहां पर जो ये कर्वी, ये जो देखिए कॉर्नर शेप है, ये कॉर्नर्स टूट जाएंगे और अल्टीमेटली एक माउंटेन का रूप ले लेगा, जिसको कि हम लोग ब्लॉक माउंटेन बोल रहे होते हैं। तो ये हो गई हमारी जो फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन के बारे में था, आपको समझ में भी आ गया होगा कि फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं। अब जरा हम लोग दूसरे क्लासिफिकेशन के टाइप पे आते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू लुक द टाइप ऑफ माउंटेन बेस्ड ऑन लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पे जब हम लोग देखेंगे तो लोकेशन के बेसिस पे बेसिकली जो माउंटेन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटल माउंटेन बोलते हैं, और दूसरी होती है जिसको हम लोग ओशियनिक माउंटेन बोल रहे होते हैं। कॉन्टिनेंटल माउंटेन पे अगेन दो टाइप का आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल माउंटेन, और दूसरे को बोलते हैं इनलैंड माउंटेन। कोस्टल माउंटेन वो होते हैं जो कोस्टल इलाके में, जैसे मान लेते हैं कि हमारा मान लेते हैं कि नॉर्थ अमेरिका है, सपोज दिस इज आवर नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो आप देखेंगे तो यहां पर आपको माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी, रॉकीज, ठीक है, हालांकि यहाँ पे CCR होती है, कोस्ट कैस्केड, और उसके बाद से फिर रॉकीज हो जाती है। सिमिलरली जब आप नॉर्थ अमेरिका देख रहे होंगे, साउथ अमेरिका देख रहे होंगे, तो यहां पर भी आपको यहां पर एंडीज देखने को मिल रही होंगी, यहां पर आपको सीरिया नेवाडा देखने को मिल रहा होगा। तो ये सारा क्या है? ये सारा कोस्टल माउंटेन है, कोस्ट के इलाके पे कोस्टल माउंटेन है, जैसे रॉकीज हो गई, जो कि यूएसए में तो केवल नहीं बोल सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में आप बोलिए इसको, नॉर्थ अमेरिका में एप्लेशियंस, देखिए इस साइड में एप्लेशियंस आ जाती हैं, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोस्टल माउंटेन, और ये एक साइड में पैसिफिक से एक्सपोज हो रही होती है और दूसरे साइड में अटलांटिक से एक्सपोज हो रही होती हैं। फिर होती है अल्पाइन माउंटेन चेन, जो कि यूरोप में पाई जा रही होती हैं। सिमिलरली वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये इंडिया में पाई जा रही होती है। सब क्या है? ये सब कुछ नहीं, कॉन्टिनेंटल के कोस्टल माउंटेन्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से होता है इनलैंड माउंटेन। आपको आई होप ये फॉर्मेशन समझ में आ रही होगी कि ये ओशियन और कॉन्टिनेंट के इंटरेक्शन के कारण से, प्लेट टेक्टोनिक के कारण से बना हुआ है, ठीक है। इनलैंड के बारे में बात करेंगे तो इनलैंड का मतलब होता है जो इस कॉन्टिनेंट के अंदर होगा, जैसे वॉजिस या फिर ब्लैक फॉरेस्ट, ये पाई जा रही आती यूरोप में। कुनलुन शियान आपको पता ही है, इंडिया में पाई जा रही होती है, हिमालय की एक श्रेणी निकल के आती है, कुनलुन शियान हो गया। फिर उसके बाद अल्ताई माउंटेन, ये एशिया की हो गई, यूराल में आपकी रशिया हो गई, जो कि यूरोपियन प्लेट में, मतलब कि यूरोप प्लेट और एशियन प्लेट इन दोनों के कन्वर्जेंस के कारण से बनी हुई है। यहां पर जैसे यूराल निकली हुई है, जो कि बेसिकली डिवाइड कर रहा होता है यूरोप और एशिया को, ठीक है। सिमिलरली अरावली हो गई, जो इंडिया में पाई जा रही होती है, राजस्थान के पास में। तो ये हो गई हमारी जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स होती हैं, जो कुछ कोस्टल इलाके में पाई जाती हैं और कुछ इनलैंड पे पाई जा रही होती हैं। दूसरी होती है जो ओशियनिक माउंटेन होती है। ओशियनिक माउंटेन का मतलब क्या है? ओशियनिक माउंटेन का मतलब है कि आपका देखे होंगे कि ओशियन ओशियन प्लेट के कारण से, ओशियन ओशियन इंटरेक्शन हुआ, इस ओशियन ओशियन इंटरेक्शन के कारण से
हम लोगों ने देखा था कि रिजेस बन रही होती थी। ये जो रिजेस थी, जब ये सरफेस ऊपर की ओर में निकल आता है तो उसको हम लोग आइलैंड बोल दे रहे होते हैं, लेकिन जब ये सरफेस के नीचे है तब तक हम इसको रिजेस ही बोल रहे होते हैं, और ये बन जाती है हमारी ओशियानिक माउंटेन, जिसको कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बोल सकते हैं माउना किया, जो कि पैसिफिक में है, दिस इज इन पैसिफिक ओशियन, और इस तरीके के हम लोग माउंटेन को बोल रहे होते हैं ओशियनिक माउंटेन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगे तो सीधी सी बात है कि ये बसाल्टिक होगा इन नेचर, ठीक है, डेंस होगा, यस बिल्कुल डेंस होगा, डेंस होगा, इनफैक्ट हाईली डेंस होगा, इसलिए जो इसकी हाइट होगी वो हाइट बहुत ज्यादा नहीं होगी, बहुत ही कम होगी, लेस हाइट होगी इसकी। तो आपको ये सब चीजें आप काफी क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही होंगी। अगर हम लोग दूसरे क्लासिफिकेशन की ओर मूव ऑन करें तो अब हमारी क्लासिफिकेशन आती है बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ ओरिजिन, कि आखिर में वो कौन सा समय था जिस दौरान में ये बना है। तो हमारे पास जियोलॉजिकल टाइम स्केल होती है, इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जैसे प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, फिर उसके बाद क्रिटेशियस हो गया, मीसोजोइक हो गया, सीनोजोइक हो गया, टर्शियरी हो गया, तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। काफी बार मैंने आप लोगों को बोला था कि कब पढ़ लीजिएगा इसको। इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बेसिस पे अगर देखेंगे तो हमारी माउंटेन बन रही होती है, कब कब बन रही होती है, जैसे एक होती है जो प्री कैम्ब्रियन में बन रही होती है, सिमिलरली टर्शियरी है जो आज के टाइम पे चल रही है, इस दौरान में भी हमें बनते हुए देखना मिल सकता है। तो हम लोग माउंटेन को इस ओरिजिन के, मतलब इस पीरियड ऑफ ओरिजिन के हिसाब से भी डिवाइड कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं? अ टोटल ऑफ 9 ओरोजेनिक और माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट हैव टेकन प्लेस सो फार। हम लोगों ने देखा था कि जो माउंटेन बनता है उसके लिए एक इंटरनल फोर्स लगती है, जिसको हम लोग ओरोजेनी फोर्स बोलते हैं, ओरोजेनी फोर्स। और एक और देखा था हम लोगों ने एपीरोजेनी, एपीरोजेनी किसके लिए होता था? यस, ये होता था कॉन्टिनेंट के लिए, ठीक है, कॉन्टिनेंट बन रहे होते थे इसके कारण से। ओके, तो हम लोग अभी तक टोटल 9 ओरोजेनी देख चुके हैं। ये नंबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाता है। और ये जो बनते हैं, ये जो बने हैं बेसिकली वो प्री कैम्ब्रियन से ही स्टार्ट हो चुके हैं, सम ऑफ देम जो होते हैं वो प्री कैम्ब्रियन से ही बने हैं। बाकी हमें रिसेंट में 3 ओरिजिनी देखने को मिली है, जैसे एक है कैलेडोनियन, फिर उसके बाद से हर्सिनियन एंड अल्पाइन। ये तीनों नाम याद रखिएगा, और इस तीनों नाम से एसोसिएटेड माउंटेन भी याद रखना है आपको, क्योंकि ये रिसेंट वन है और इससे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सवाल। तो ये हो गई वो पूरी की पूरी सीरीज जहां पर आपको माउंटेन पाई जा रही होती है, जैसे एक हो गया जो प्री कैम्ब्रियन है, प्री कैम्ब्रियन में जो हमारा माउंटेन मतलब पीरियड है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड का है, रेसिडुअल माउंटेन के फॉर्मेट में आज की डेट में बचे, रेसिडुअल मतलब बचा खुचा, क्योंकि लगातार ये एक्सटर्नल एजेंट के संपर्क में आया है, टूट फूट गया और इस तरीके से माउंटेन बची है, जैसे लॉरेंशियन माउंटेन, लॉरेंशियन माउंटेन जैसे लॉरेंशिया और गोंडवाना दो पार्ट में टूटा हुआ था, तो जो अपर पार्ट था उसको हम लोग लॉरेंशियन बोलते हैं। दूसरा होता है एल्गोमैन माउंटेन, तो ये दो माउंटेन है बेसिकली जो प्री कैम्ब्रियन के दौरान की, और प्री कैम्ब्रियन से इसीलिए आज क्या है अपने रेसिडुअल एज में बची हुई है, टूट फूट गई है। रिसेंट वाले में आ जाए तो एक होती है जो कैलेडोनियन है, तो कैलेडोनियन में जो दो पीरियड है वो बेसिकली सिलूरियन पीरियड और डिवोनियन पीरियड में हमें देखने को मिला है माउंटेन रेंज। जो माउंटेन रेंज है उसमें कौन कौन सी माउंटेन बनी है? एक बनी है एपलेशियंस जो कि यूएसए में पाई जा रही होती है, अरावली होती है, अरावली जो कि इंडिया में पाई जा रही होती है, और एक महादेव हिल्स जो कि अगेन इंडिया में छत्तीसगढ़ या फिर कह लीजिए छोटा नागपुर प्लेटू के पास में पाई जा रही होती है। इनको हम लोग बोल रहे होते हैं कि ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, दीज आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन, क्योंकि ये पुरानी है और आज की डेट में एक्सपोज मतलब कह लीजिए कि ये जो होता है एक्सटर्नल एजेंट के संपर्क में आने के कारण से टूट फूट गई है। नेक्स्ट आती है हमारी हर्सिनियन, हर्सिनियन जो है वो अगेन किस पीरियड की है? अपर कार्बोनिफेरस पीरियड या परमियन पीरियड की हो रही होती है। यहां पर अगर देखें कौन कौन सी माउंटेन रेंज है, तो माउंटेन इन फॉसिज हो गई, ब्लैक फॉरेस्ट हो गई, अल्ताई हो गया, टियान शान हो गया, यूराल हो गया, ये सारी माउंटेन एशिया यूरोप में फैली हुई है। तो ये पूरी की पूरी हो गई हर्सिनियन की सीरीज। लास्ट आती है हमारी अल्पाइन, एंड दिस वन इज द लेटेस्ट वन, ये लेटेस्ट वन है और यहाँ पर टर्शियरी पीरियड की चीजें आ जा रही होती है। कौन कौन सी माउंटेन है? माउंटेन हो जाती है जैसे रॉकीज, अभी हम लोगों ने देखा नॉर्थ अमेरिका में, एल्पाइन हो गया यूरोप में, अगेन देखा अल्तास होती है, हिमालय होती है, और एल्बोर्ज होती है। ये तीनों जो होती है वो एशिया में पाई जा रही होती है, अलग अलग जगहों पे हो रही होती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? दिस इज एक्चुअली एटलस, एंड एटलस जो होती है वो अफ्रीका में पाई जा रही होती है। अफ्रीका में आप लोगों ने देखा होगा सहारा के जस्ट ऊपर
आपको एटलस माउंटेन वेस्टर्न साइड में देखने को मिल रही होती है. तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द माउंटेन बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ ओरिजिन. नेक्स्ट आ जाती है हमारी मोड ऑफ ओरिजिन, किस तरीके से बना है. तो हम लोगों को पता है कि माउंटेन जो होती है कई तरीके से बन सकती है. जैसे एक बन सकती है वोल्केनो के कारण से, एक बन सकती है हमारी जो प्लेट बाउंड्री के आपस में इंटरेक्शन के कारण से बन रही होती है. तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के मोड होते हैं. जैसे एक और हम लोगों ने देखा था जहां पर फॉल्टिंग वगैरह के कारण से बन रही होती है. तो हमारे पास डिफरेंट मोड होते हैं बनने के. वन बाय वन करके अगर डिस्कस करें तो देखिए ये हो गया जो ओरिजिनल या फिर टेक्टोनिक माउंटेन बोल रहे हैं हम इसको. टेक्टोनिक माउंटेन का मतलब प्लेट टेक्टोनिक के कारण से जो बन रही होती है. तो दीज आर ओरिजिनल टेक्टोनिक माउंटेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टेक्टोनिक फोर्सेज. टेक्टोनिक माउंटेन में भी कैटेगराइज इनटू फोल्ड माउंटेन के तरीके से बन सकता है बिकॉज कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट इंटरेक्शन हमें देखने को मिलेगा. सिमिलरली कॉन्टिनेंट ओशियन भी इंटरेक्शन हमें देखने को मिल सकती है. जैसे हमारी हिमालय बनी हुई है, रॉकीज बनी हुई है और इंडीज बनी हुई है. दूसरी होती है जो ब्लॉक माउंटेन होती है. ब्लॉक माउंटेन बनती है बिकॉज ऑफ फॉल्टिंग. एंड फॉल्टिंग क्यों हुई है, क्योंकि अगेन कन्वेक्शन करंट्स आ गई हैं. इस कन्वेक्शन करंट के कारण से फॉल्ट जनरेट हुए और अल्टीमेटली हमें ब्लॉक माउंटेन देखने को मिल गया है. जैसे फ्रांस में वॉसजीस हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट हो गया जर्मनी में, विंध्या और सतपुड़ा हो गया इंडिया में, जिसके बीच से नर्मदा रिवर निकल रही होती है. लास्ट होती है जो वोल्केनिक माउंटेन होती है. वोल्केनिक माउंटेन जैसे जो वोल्केनिक ओरिजिन, जैसे आप लोगों के आप इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है इन अवर लास्ट लेक्चर. एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैस्केड हो गया जो कि यूएस में है, सीसीआर कोस्ट कैस्केड एंड रॉकीज, ये तीन. दिस इज कोस्ट, नेक्स्ट वन इज कैस्केड एंड थर्ड वन इज रॉकीज. ये कहां पे है, नॉर्थ अमेरिका में है. एटलस ओपन करिए, एटलस ओपन करने के बाद जरा चेक करिए कहां पर है ये. फिर इसके बाद है माउंट कीना, फिर माउंट किलिमांजारो, माउंट फुजियामा. ये दोनों के दोनों जो होता है साउथ अमेरिका में पाई जा रही होती हैं, ठीक है. फिर हमारी दूसरे टाइप की हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन, या इसी को बोलते हैं सरकम इरोजनल या रेलिक. ये होता क्या है, ये एक तरीके से ओल्ड फोल्ड माउंटेन है जो पहले थी लेकिन आज की डेट में एक्सटर्नल एजेंट के हत्थे चढ़ गई है जिसके कारण से टूट फूट गई है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें रेसिडुअल माउंटेन में, जैसे अरावली हो गई इंडिया की, यूराल हो गया रशिया का. दीज आर द रेमनेंट ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन. ये डेन्यूडेशन मतलब कि टूट फूट गई है. डेन्यूडेशन को टूटना फूटना इरोजन बोलते हैं. रेसिडुअल माउंटेन्स में ऑल्सो इवॉल्व फ्रॉम प्लेटू, प्लेटू के कारण से भी निकल रही होती है, विच हैव बीन डाइजेक्टेड बाय रिवर इंटू रिवर और इंटू हिल्स एंड वैलीज. तो इस तरीके से भी हमें बन रखती है. प्लेटू के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि आखिर में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. सिमिलरली जो होती है एग्जांपल के बारे में यहां पर बता दिया गया है कि जैसे हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड हो गया, स्कैंडिनेविया हो गया, डिक्टन प्लेटू हो गया, ये सब चीजें यहां पर हो जा रही होती हैं. तो ये थी हमारी पूरी की पूरी थ्योरी रिलेटेड विद दिस डिस्कशन. हमारे हम लोगों ने माउंटेन को कवर कर लिया. एक और आज की डेट में ही एक लेक्चर और मैं अपलोड कर दूंगा जो कि प्लेटू से रिलेटेड रहेगा, और एक और छोटा सा लेक्चर रहेगा वो लेक से रिलेटेड रहेगा. तो ये दोनों के दोनों आप लोग कंप्लीट करिएगा, इनफैक्ट तीनों कंप्लीट करिएगा फटाफट. और हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अपने लैंडफॉर्म के बारे में. थोड़ा सा स्पीड करते हैं पढ़ाई को और फटाफट गियर चेंज करके अपने मोड ऑफ जो भी प्रिपरेशन है उसको एक नए तरीके से लेकर के चलते हैं. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.